हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए ले आए हैं आज का पेपर, यानी कि आज जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा का, उन्हीं का एकदम रियल एकदम ओरिजिनल पेपर हम आपके लिए ले आए। बच्चों वीडियो एंड तक वॉच करिए। सबसे पहले देख लीजिए कि एग्जाम में क्या आने वाला है, कौन से क्वेश्चन जो है वो आज की एग्जाम में आने वाले हैं। तो एग्जाम देने जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर से देखिए जाइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न पेपर आपके लिए, है ना बच्चों। ये जो पेपर है वो RBSE खुद आपके लिए प्रोवाइड करी, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर है वो लीक हो चुका है ऑलरेडी। तो आज का यही पेपर आने वाला है बच्चों, हमने बहुत मुश्किल से ये पेपर मिला है और ये पेपर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें एक दो बच्चे ने कमेंट किया था कि भाई मैम आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, आप इंग्लिश पढ़ लीजिए। तो बच्चों देख लेते हैं कि इंग्लिश किसे पढ़ना आता है किसे नहीं आता है। ओके चलिए, सबसे पहले है पार्ट वन का क्वेश्चन नंबर वन, वी शुड वॉश अवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, हमें खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए। सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवेल, सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। नेहा वॉन्ट अ ड्रेस, न्यू ड्रेस, सो शी विल गो टू द मार्केट टुमोरो। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ अ डिफरेंट साउंड, रन, पुट, सन, फन। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों बी नंबर का, यानी कि बी नंबर का अलग साउंड आ रहा है। Which of the following things is not related to games? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो गेम्स के रिलेटेड नहीं है? रैकेट, फोल्ड रैकेट, नाइफ यानी चाकू, बैट, बैट बॉल वाला बैट और हॉकी। ओके तो यानी नाइफ या चाकू हमारा जो है वो गेम्स के रिलेटेड नहीं है। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी क्या है, बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे आप पूछोगे मैम ए क्यों आ रहा है, दो आ सकता है, एन आ सकता है, लेकिन बच्चों देखिए हमें सिखाया गया है कि ए ई आई ओ ओ यू के सामने हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एन। क्या यूज़ करते हैं बच्चों, एन, और बाकी जो व्यंजन है उनके सामने हम यूज़ करते हैं ए, यानी कि स्वर व्यंजन, ये है हमारे स्वर और बाकी व्यंजन में हम यूज़ करेंगे ए। तो बी हमारा क्या है, यहाँ पे बेस्ट लिखा है, यानी कि बी हमारा क्या है, व्यंजन, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। द मीनिंग ऑफ वर्ड मिस्टेक इज, मिस्टेक वर्ड का मीनिंग क्या होगा, ब्लंडर। ओके अब हम आ जाते हैं पार्ट टू में यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया गया है एक छोटो सा, उस पर ऊपर ऑप्शंस भी दिए हैं। वी हैव नो बैग डेज एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन अवर स्कूल, ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड एंड एंजॉय द हॉलीडेज, दे प्ले मेनी गेम्स, दे ऑल्सो रीड मॉरल स्टोरीज। ओके अब हम बात करते हैं प्लूरल फॉर्म की, ठीक है, यहाँ पे सिंगल प्लूरल दिया गया है तो हम सिंगल में दिया गया, हम प्योर में इसको कन्वर्ट करना है। तो लीव का यहाँ पे आ जाएगा लीव्स, LEAVES। टीचर का यहाँ पे आ जाएगा बच्चों TEACHERS लग जाएगा, टीचर्स। यहाँ पे मिसिंग लेटर्स आपको बताना है, तो ब्यूटीफुल BEAUTIFUL ब्यूटीफुल। सेकेंड एक्सपेंसिव EXPENSIVE एक्सपेंसिव। नाउ यूर वी हैव टू डू फिलिंग द ब्लैंक्स। We should avoid using mobile phones while driving so that we may remain safe। हम जब ड्राइविंग कर रहे हो तब हमें जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, तब जाके हम सेफ रहेंगे। Arrange the word properly। Okay? Dr. Ashok shook his head। Okay? क्या है यहाँ पर फर्स्ट लाइन में, Dr. Ashok shook his head। Second, We must educate our people। Now fill in the blanks फिर से आ जाते हैं। We should always wear a helmet while riding a bike। हम जब राइडिंग बाइक चला रहे हो तब हमें हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए। We should always walk on a zebra crossing to cross the road। हम जब रोड क्रॉस कर रहे हो तब हमें हमेशा zebra crossing के ऊपर से रोड क्रॉस करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल क्वेश्चंस। नाउ आ जाते हैं हम पार्ट थ्री की तरफ। यहाँ पे दिया गया है आपको पैराग्राफ रीड नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 17, व्हाट डिड इग्निशियस डू इन कैचल। ओके तो नाउ आंसर इज इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन अ कच्छल। व्हाई डिड इग्निशियस वाई वेक हिम अप एट 6 AM। His wife woke him up at 6 AM because she felt an earthquake। Find the opposite word।
स्टार्ट का यहाँ पे हो जाएगा स्टॉप और केयरलेस का यहाँ पे केयरफुल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड आफ्टर द ट्रिमर स्टॉप, दे शो द सी राइजिंग आफ्टर द ट्रिमर स्टॉप इन द चाउस एंड कंफ्यूजन, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉच हैंड ऑफ द कैच सॉरी होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर एंड रश इन टू द अपोजिट डायरेक्शन, वॉट डिड द फैमिली डू आफ्टर फीलिंग एन अर्थक्वेक, द फैमिली रश आउट ऑफ द हाउस आफ्टर फीलिंग एन अर्थक्वेक, वॉट हैपन आफ्टर इग्नियस फेल द अर्थक्वेक, इग्नियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स, What happened to the wild and domestic animal after before the giant waves swam into the coast in India and Sri Lanka? Wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They flee to safety. Now explain the eyewitness account of elephant, dogs, flamingos and other zoo animals. Elephants scream and run for higher ground. Dog refused to go outdoor. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas and zoo animals rushed into their shelters and could not be entreated to come out. What do many people and some experts believe? Many people believe that animals possess a sixth sense and known when the earth is going to shake. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth vibrations. What can the animals sense? They can sense an approaching disaster long before humans realize what is going on. Which animal is in the above passage flee to safety? Elephants, dogs, flamingos and zoo animals flee to safety. Identify and road toward the planet on which we live, Earth. What do newspapers bring to us? Newspapers bring to us the news and views from all the corner of world. What kind of articles are published in a newspaper? Articles on all kind of topics like political, social, economics, education, sports and business, etc. Now identify one who goes to study in the school. Student. Newspapers published daily are called dailies. Why should we cultivate the habit of reading newspaper? We should cultivate the habit of reading newspaper to know what is happening around the world. How do newspaper help the students? Newspaper help them to sign in a competitive exams. Okay, now plural form of newspaper. So newspaper mein aayega newspapers, piche lag jayega s. Now we have to rearrange the sentence. Okay, first mein yahan pe aayega last Sunday. सेकेंड में आ जाएगा लास्ट संडे वी वेंट फॉर अ पिकनिक, वी परचेज स्वीट्स एंड अ नमकीन ऑन द वे, वी परचेज स्वीट एंड नमकीन ऑन द वे, वी एट फूड टूगेदर इन द आफ्टरनून एट 2 PM, वी प्ले फुटबॉल मैच एट 4 PM, वी रिटर्न होम इन द इवनिंग एट 5 PM। ओके नाउ अब हम आ चुके हैं बच्चों पार्ट ग्रामर में यानी कि पार्ट 4 में। यहाँ पे आपको दिया गया है एक लेटर, क्या लेटर दिया गया है कि आपके फ्रेंड को आपको लेटर लिखना है और उसको इनवाइट करना है आपकी सिस्टर की मैरिज में, यानी कि आपकी दीदी या छोटी बहन भाई बहन जो सॉरी बहन की जो शादी है उसमें आपको अपने जो फ्रेंड है उसको लेटर लिखना है और उसको इनवाइट करना है। ठीक है, तो शादी कब है, उसको अपनी फैमिली के साथ आना है और कितने बजे आना है, क्या क्या होने वाला है, सारी इन्फॉर्मेशन उसको लेटर में लिख के दे दीजिएगा। ये देखिए नीचे लेटर ऑलरेडी दिया गया है, ये देखिए ये पूरा आप लिख सकते हो। ओके नाउ यहाँ पे दिया गया है एक एप्लीकेशन, आपको अपने हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखनी है कि भाई आपको क्लास 8 में एडमिशन दे दें। ओके बच्चों सॉरी यहाँ पे दिया गया है क्लास 9th। ओके तो क्लास 9th में आपको एडमिशन दे, तो आपको उसके लिए उनको सर को बोलना है कि भाई आपके जो क्लास 8 है उसमें 66% आपके आए थे और ऐसा सब है, आप फुटबॉल में बहुत अच्छे हो तो आपको आपकी क्लास में एडमिशन मिल जाए क्लास 9th में। ओके तो बच्चों ये लिखना था। अब यहाँ पे एक विजिट टू अ फेयर, और विजिट टू अ फेयर मतलब आप मेला देखने जाते हो, वहाँ पे आप क्या क्या देखते हो,
ठीक है, ये सब यहाँ पे लिखा है, देखिए ये सब लिखा है, लास्ट संडे आई वेंट टू विजिट द दशहरा फेयर्स ऑफ आवर सिटी विथ माई फ्रेंड्स, वी रीच द फेयर साइट बाई बस, देयर वर मैनी शॉप्स स्वीट शॉप्स हैड लड्डू जलेबी गुलाब जामुन एक्सेट्रा नमकीन शॉप्स एंड हैड पोटैटो चिप्स समोसास एक्सेट्रा, देयर वर यूटेंसिल्स शॉप्स क्लॉथ शॉप्स टॉय शॉप्स एक्सेट्रा, देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, देयर वॉज अ ग्रेट नॉइस, पीपल वर इंजॉइंग मैरी गो राउंड स्विंग्स सर्कस मैजिक शोज एक्सेट्रा, पीपल लुक चेयरफुल्स, वी इंजॉय द स्विंग्स एंड मैजिक शो, वी रिटर्न होम इन द इवनिंग। और अगर वो आपको नहीं आता है तो आप ये यहाँ पे स्टोरी दी गई है वो भी लिख सकते हो, देखिए पूरी स्टोरी आपको यहाँ पे दे दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं पेपर के पीडीएफ और आंसर्स की के बारे में, आपको पीडीएफ और आंसर्स की कहाँ से मिलेगी वो बात कर लेते हैं। आंसर्स तो मैंने बता दिया, लेकिन स्टिल अगर आपको पेपर डाउनलोड करोगे तब उसके साथ जो आंसर्स की वो दोनों चाहिए होंगे ना, तो इसलिए चलिए मैं बता देती हूँ आपको मेरे साथ। जी बच्चों, नॉर्मली आपको गूगल सर्च कर लेना है बच्चों, अभी जो आप जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो वो बच्चों आरबीएससी खुद कंडक्ट कर रहा है, आरबीएससी की टीम खुद भी ये चैनल कंडक्ट कर रही है, क्योंकि उन्होंने ये पेपर आपके लिए प्रोवाइड किया है। तो बच्चों इसके ऊपर 100% ट्रस्ट बनाए रखिए, अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर से वीडियो को शेयर करिए, ताकि उनको पता चल जाए कि कल इंग्लिश आज जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है वो आज के पेपर में यही पूरे क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना बच्चों। तो जल्दी से अपने मित्रों के साथ ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए सबसे पहले आप गूगल पे क्या कर सर्च करना है, गूगल पे सर्च करना अपने आरबीएससी बोर्ड की तरफ से एकमात्र ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके ऊपर हर एक न्यूज़ आपको 100% रियल और 100% ट्रस्टेबल मिलेगी, तो आप उसके ऊपर 100% ट्रस्ट कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको रियल मिलेगी। ठीक है, चलिए बता देती हूँ, उसके ऊपर सर्च करना है STUDYVILLAGE स्टडी विलेज, स्टडी विलेज एकमात्र ऑफिशियल है चैनल है, वेबसाइट है, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से प्रोवाइड की जाएगी। तो स्टडी विलेज पे जाइए, फटाफट से अपनी जो पेपर की पीटीएफ और आंसर्स की दोनों डाउनलोड करें। अगर आपने डाउनलोड किए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बच्चों धन्यवाद।